आ जाइए हम नागपुर की 85 साल पुरानी इस जगह जहाँ रबड़ी गुलाब जामुन के साथ साथ और भी बहुत कुछ फेमस है। सबसे पहले बारी आती है इनकी गुलगुला की, जो कि गुलगुला मैंने पहली बार सुना है, लेकिन इसको खाया जाता है चाय के साथ। 8 रुपए का होता है और ये इतना फेमस है कि इस रेस्टोरेंट का नाम ही गुलगुला पड़ गया। अब लोकेशन थी इनकी ताजबाग के जस्ट ऑपोजिट गुलगुला रेस्टोरेंट, और बताया गया कि कड़क गुलगुले के साथ इनकी चाय लोगों की फेवरेट है। टेस्ट में लिटिल स्वीट होता है, स्पॉन्जी होता है, मैदे का बनता है और खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है चाय के साथ। 8 रुपए का गुलगुला, 10 रुपए की चाय, 18 रुपए में लोगों का नाश्ता हो जाता है। अब खास बात यह है कि ये जगह नागपुर में सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक शुरू रहती है। गर्मा गर्म गुलगुले खाने में लोगों को मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ये जगह इनके गुलगुलों के साथ साथ इनकी मिठाइयों के लिए भी फेमस है। बोलते हैं कि ये जगह मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है हर मिठाई के लिए, चाहे बंगाली हो, जलेबी हो, खोए वाली जलेबी हो, और भी काफ़ी सारी यूनिक आइटम मिलते हैं, जैसे कि इनके यहाँ का अरबी खजूर और इनका खस्ता खजूर जिसमें खोया ही खोया डला होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और फिर उसके बाद बारी आती है इनके यहाँ के दही और कलाकंद वाले मिक्सचर की, जो कि मैंने पहली बार सुना है और ट्राई करने में बड़ा मज़ा आया। अब उसके साथ साथ केसर मलाई ज़रूर से ट्राई करना, आगे आगे देखो होता है क्या। और ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ऊपर उठा के रखना, गिराना नहीं। खाली 95 दिख रहा है।